किंग कोबरा और नागिन से खेलता बचपन, सपेरों के परिवार की रोजी रोटी का जरिया बना सांप, सात परिवार और उनके बच्चे लॉकडाउन के चलते घर से निकलने को मजबूर। आपको बता दें, खबर है चित्रकूट से, जहां कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने से चित्रकूट के कछार कुरुआ में 15 सालों से रह रहे सात सपेरों के परिवार इस समय भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है, और सांपों के साथ इनके बच्चे बिना किसी भय के साथ खेलते हैं और इन्हीं को पकड़ना सीखते हैं। जब टीम इनके पास इनका हाल जानने पहुंची तो देखा कि एक परिवार का बच्चा किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप को अपने गले में डालकर खेल रहा है, और जब जमीर से पूछा गया तो उसने बताया कि हम आज से नहीं, बहुत दिनों से हम इस बच्चे के साथ खेलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इन्हीं से अपना रोजी रोटी कमाते हैं। फिलहाल प्रश्न बहुत हैं, जवाब बहुत कम है, रोजी रोटी के लाले तो सभी पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में इन सपेरे परिवारों का भी ख्याल रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ये कौन सा सांप अली चित्रकूट। दो मुखी, इसके दो मुंह होते हैं क्या? अच्छा, कितने साल की हो? हाँ, सात साल की। कितने दिनों से ये खेल रही हो इसके साथ, सांप के साथ? कितने साल से है? बचपन से।